हेलो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। मेरा नाम है कपिल और आप देख रहे हैं टेक्निकल SBS। दोस्तों, अगर आप एक यूट्यूबर हैं और आपने अभी अभी चैनल स्टार्ट किया है, नया चैनल है आपका, आप अभी फेस कैम वीडियो नहीं बनाते हैं या फिर फेस कैम वीडियो बनाने की सोच रहे हैं या फिर आप प्रैक्टिकली आप करके देख चुके हैं फेस कैम वीडियो के लिए, पर आपके सामने एक दिक्कत आती है कि आप कैमरे के सामने जो है बोल नहीं पाते हैं और कुछ शर्मा से जाते हैं। जैसे ही आप अपना कैमरा ऑन करके सामने के लिए रखते हैं और आप जब बोलना स्टार्ट करते हैं तो या तो आप भूल जाते हैं या फिर आप जो है कुछ आपकी हंसी निकल पड़ती है, आप जो है हंस जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा आप सोच रहे होंगे अपने दिमाग में कि शायद आप फेस कैम वीडियो कभी नहीं बना सकते और आप अपना यूट्यूब चैनल नहीं चला सकते फेस कैम वीडियो से, तो इसलिए आप जो है फेस कैम वीडियो नहीं बनाते होंगे। पर आज की वीडियो आप देख लेंगे तो आप फेस कैम वीडियो बनाना सीख जाएंगे। मेरा मतलब है आपको थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा इस वीडियो को देखने के बाद और आप फिर प्रयास करेंगे बार बार, और प्रयास करने के बाद आप एक दिन ऐसा होगा कि आप जो है बिना कट किए वीडियो जो है अपलोड कर पाएंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे हम छोटा सा एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये शुरुआत में आपके ही साथ नहीं सभी के साथ होता है, मेरे भी साथ हुआ था। जैसे कि मैं अभी अपने चैनल पर टोटल 30 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ अब तक, ठीक है, पर इस 30 वीडियो में मैंने जो है अपनी फेस कैम वीडियो जो है 10 या 12 ही अपलोड की हैं। तो हमारी जो 10 और 12 वीडियो जो फेस कैम वीडियो हैं उनके लिए हमने वीडियो बनाने से पहले लगभग करीब 50 से 60 बार जो है वीडियो को रिकॉर्ड करके देखा था कैमरे में। क्या हुआ कि उसमें कभी हम झिझक पड़ते थे बोलने में और कभी हम शर्मा जाते थे, कभी मतलब भूल जाते थे कि हमें अगली लाइन क्या बोलना है। हमने एक पेपर पे भी नोट किया और नोट करके हम ऐसे साइड में रख लेते थे, पर क्या हुआ जब हम इसमें देखते थे तो उस समय हमारा जो है माइंड जो है थोड़ा चेंज हो जाता था, जिससे मैं उस हिसाब से नहीं बोल पाता था जैसे वो लिखा हुआ होता था। जैसे कि आप पूरी स्टोरी तो लिखेंगे नहीं, बहुत टाइम लगेगा, मेन मेन चीज़ें लिखते थे हम, तो वो भी हमने बोल के देखा पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ और ना ही हम बोल पाए। तो हम आज की वीडियो में बताएंगे फिर आप कैसे आप अच्छे तरीके से कैमरे के सामने बोल सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसा है, अगर आप अपने चैनल पर वीडियो अपलोड करना चाहते हैं, ठीक है, और फेस कैम वीडियो अपलोड करना चाहते हैं तो कुछ देर आप फेस कैम वीडियो अपलोड मत कीजिए, ठीक है, और प्रैक्टिकल रोज़ कीजिए उसका जो है। आप कैमरा ऑन करके अपने फ़ोन का या फिर जो आप कैमरे से शूट करना चाहते हैं उस कैमरे को ऑन करिए। ऑन करने के बाद आपको इधर उधर ध्यान नहीं रखना है और आपका जो दिमाग है वो सीधा आपके कैमरे के लेंस पर होना चाहिए, ना कि कैमरे की स्क्रीन पर, ठीक है। अगर आप कैमरे की स्क्रीन पर जो देखेंगे आप उसमें कि आप कैसे दिखाई दे रहे हैं, तो आप खूबसूरत तो दिखाई दे रहे हैं ये तो सभी को पता है, ठीक है, पर इसमें क्या है कि अगर आप स्क्रीन पर देखते हैं तो आपकी आँखें कुछ इस टाइप की दिखाई देंगी। देखिए, मैं अभी स्क्रीन पर देखता हूँ तो ये आपको कुछ इस टाइप के लगेगा कि जो है ये कुछ साइड में देख रहा है, तो आपके बोलने का स्टाइल कुछ अलग लगेगा और आदमी आपकी वीडियो को जो देख रहा है वो बंदा हटा देगा, तो आपकी वीडियो में इंटरेस्ट नहीं रखेगा आदमी। अगर आप जो है चेहरे जो आँखों के लेंस हैं इनके लिए कैमरे के लेंस से मिला कर रखना है आपको, ठीक है, तभी आप जो है फेस कैम वीडियो अच्छे से बना पाएंगे। प्लस आप इतना ध्यान रखिए कि जो आप मेन फोकस कर रहे हैं अपनी आँखों से जो कैमरे के लेंस पर, उसी को आप एक अपना दोस्त बना लीजिए कि वो आपसे कुछ पूछ रहा है आप उसे बता रहे हो, ठीक है, और इतना सोच के आप एकांत में बैठकर वीडियो बनाने की सोचिए। ऐसा नहीं हो कि आपको डिस्टर्ब करने वाले हों बहुत सारे लोग और जिससे आप काफ़ी टेंशन में पड़ जाएंगे, डिस्टर्ब करने वाले लोग होंगे तो, और आप वीडियो बना रहे हैं दो लाइन बोल पाएंगे तब तक कोई पीछे से डिस्टर्ब कर देगा, आप देखेंगे आपका दिमाग जो है चेंज हो जाएगा। तो ऐसे आप वीडियो फेस कैम नहीं बना सकते। फेस कैम वीडियो बनाने के लिए आपको शुरुआत में एकांत जगह ढूंढनी पड़ेगी, तो आप प्रैक्टिकल रोजाना कीजिए, ठीक है, और रोजाना प्रैक्टिकल करेंगे आप और उस वीडियो को खुद ही देखेंगे, ठीक है, और ऐसा होना चाहिए अपने कैमरे को एक बार सेट करके रख लीजिए, कोई निशान बना लीजिए कहीं पर कि हमारा इस जगह पर कैमरा रखा था और इस जगह पर हम खड़े थे या बैठे थे तो हमारी वीडियो बिल्कुल फिक्स आ रही थी और बिल्कुल सही आ रही थी। तो आप उसी जगह पर रोजाना कैमरे को रखिए और अच्छे तरीके से बैठिए। और आप कोई ऐसा नहीं कि आप कोई बड़ा सा रूम बना लें कि हाँ भाई YouTube चलाना है तो पहले एक रूम बनाना पड़ेगा, ये बहुत कुछ नहीं। अब मैं मुझे ही देख लीजिए, मेरा कहीं एक ही जगह कहीं भी सेटअप नहीं है, मैं घर पर होता हूँ तो घर पर ही वीडियो बना देता हूँ और ऑफिस में होता हूँ तो ऑफिस से ही बना देता हूँ, अलावा कहीं रास्ते में होता हूँ तो रास्ते से ही वीडियो बना देता हूँ,
शुरुआत में मुझे काफ़ी प्रॉब्लम आई थी। मैं बहुत सोचता था कि ये लोग जितने यूट्यूबर हैं बड़े बड़े हैं सभी एक एकांत में बैठकर एक स्टूडियो सा बना लिया, सभी उसमें बैठकर वीडियो बनाते हैं, पर मेरे पास बैठने की जगह नहीं है तो मैं फेस कर वीडियो नहीं बना सकता। पर ये मेरी सोच गलत थी। उस समय मैं शायद जो 30 वीडियो अपलोड किया मैं बहुत गलती कर गया कि मैं 300 वीडियो जो है फेस कैम ही डालता। तो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब मैं फेस कैम वीडियो डालता हूँ, मुझे एक्सपीरियंस थोड़ा हो गया है और अब मैं फेस कैम वीडियो में कभी झिझकता नहीं हूँ। जैसे कि आपसे अभी बात कर रहा हूँ सही तरीके से, तो मैं जो कैमरे के जो लेंस है उसके लिए एक इंसान समझता हूँ और सिर्फ उसी को देख कर बात करता हूँ। मेरा दिमाग जो है इधर उधर नहीं भटकता है। इसी हिसाब से आप बार बार जब ट्राई करेंगे उसके बाद जब आपकी वीडियो सही आने लगे तभी आप उसे अच्छे तरीके से जो है किसी वीडियो एडिटर से कट करके जो ख़राब सीन हो, रुके हुए सीन हो और आप इधर उधर देख रहे हो तो उन चीज़ों को आप कट कर दीजिए और तभी आप फ्रेश वीडियो अपलोड कीजिए। और वीडियो में जो है ऑडियो क्वालिटी का खास तौर से ध्यान रखिए, आपकी जो आवाज़ है वो अच्छी आनी चाहिए। आप कहीं कैमरा रख के आप देख सकते हैं पहले से रिकॉर्ड करके कि यहाँ से हमारी आवाज़ कितनी तेज़ आ रही है, उसके बाद ही आप जो है और तेज़ बोलने की कोशिश करें जिससे आपकी आवाज़ बहुत क्लियर आप लोगों को सुनाई दे, तभी लोग आपकी वीडियो को देखेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा अगर मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको आगे भी समझाता हूँ। हमारी इस वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि अगर आप फेस कैम वीडियो बनाते हैं तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम आती है, तो उसी से संबंधित हम जो है आपको सुझाव देंगे और आप एक फेस कैम वीडियो बना सकते हैं अच्छे तरीके से। दोस्तों फेस कैम वीडियो बनाने के लिए ऐसा भी नहीं है कि आपको किसी हाईफाई कैमरे की ज़रूरत पड़ेगी। दोस्तों मैं लाइफ का जो फ़ोन यूज़ करता हूँ अपना लाइफ का बिंड 4S है, इसका कुल जो बैक कैमरा है वो 8 MP का है और फ्रंट कैमरा 5 MP का है, तो मैं दोनों कैमरों से शूट कर लेता हूँ। मेरी वीडियो आप देख सकते हैं 8 MP कैमरे से अभी शूट हो रही है यहाँ पर, और फ्लैश लाइट जो है जला कर रखी हुई है इसकी, और ऑफिस में बैठा हूँ, सही रिकॉर्ड हो रही है, अच्छी क्वालिटी आ रही है हमारे हिसाब से। और जब DSLR होता है तो फिर अच्छी आएगी, लेकिन मेरे पास अभी कोई DSLR नहीं है और ना ही मैंने अभी कोई यूट्यूब के लिए भी खर्चा किया है, क्योंकि यूट्यूब से जब मिलेगा तभी खर्चा करेंगे ना हम, अपनी जेब से अभी लगा कर जो है यूट्यूब पर लगा देंगे तो हमें मज़ा नहीं आएगा और ना ही हम कभी माइक यूज करेंगे जहाँ तक हो सकती है, जब तक यूट्यूब से फर्स्ट पेमेंट नहीं आएगा। और अभी तो चैनल मोनेटाइज क्या होगा, अभी तो 100 सब्सक्राइबर हुए हैं, 100 के आसपास ही हैं और अच्छी प्रगति चल रही है हमारे चैनल की। जल्द हो सकता है आप सभी का जो है प्यार बना रहेगा तो हमारी, मेरे बताने का मतलब सिर्फ यही है, आप समझ लीजिए सीधी बातों में कि आप जब बार बार ट्राई करेंगे और अकेले में होकर ट्राई करेंगे, किसी के सामने आप जब ट्राई करते हैं या कैमरा कोई दूसरा इंसान पकड़ता है तो आपको थोड़ी झिझक होती है बोलने में और थोड़ा शर्माना होता है, आपकी हंसी भी निकल सकती है। तो आप पहले कुछ लाइनें जो आप बोलना चाहते हैं उन्हें याद कर लीजिए, या फिर अगर आप नोट करना चाहते हैं तो उन्हें नोट कर लीजिए, ऐसी बात नहीं है, आप अपनी भाषा में उसे नोट कीजिए कि आप उसे जल्दी से समझ सकें, ठीक है। उसके बाद क्या है, आप वो कागज़ यहाँ साइड में रख लीजिए इस टाइप से या फिर इधर, ठीक है। और जब आप बोलें तो आप कैमरे की तरफ ही देखें, और जब एक लाइन आपकी पूरी हो जाए उसके बाद आप वहाँ पर पढ़ लें, पढ़ने के ठीक बाद आप फिर इधर देखें और इधर देखकर ही बोलें, ठीक है। उसके बाद जब आप वीडियो कट करेंगे तो वहाँ से वो सीन हटा देंगे जो आपने उसमें देखा था, ठीक है। तो आपकी जो वीडियो होगी वो बिल्कुल फेस कैम वीडियो ही नज़र आएगी, आप ये लगेगा कि आपने कहीं पर वीडियो कट नहीं किया है। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको सारी जानकारी जो है समझ में आ चुकी होगी। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताना, अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल पर प्लीज नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो रोजाना लाता रहता हूँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत